मुझे बताइए कि नशे की बीमारी को सबसे ज्यादा किस तरीके से ट्रीट किया जाता है? जोर जबरदस्ती से और विल पावर से और पुलिसिंग करके घेर घार के कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, और जब घर वाले ये करते करते थक जाते हैं तो वो ये नहीं सोचते कि हमारा तरीकेकार गलत था, वो ये सोचने लगते हैं कि तरीकेकार हमारा ठीक था, लेकिन जब चूंकि अब हम थक चुके हैं तो हम कुछ मजदूर हायर कर लेते हैं, विलिंग वेज के मजदूर, के जो हमारे मरीज को काबू करने में हमारी मदद करें, जो और जोर लगाने का मौका हो तो हमें रिलीफ मिल सके। तो मुझे बताइए कि आप में से कोई है कि जिसने ये सोचा हो कि ये हमारे बस का काम नहीं, हमको गलती कर रहे हैं, किसी को पता करते हैं जो कि असली तरीका जानता हो और हमारी सही मदद कर सके? आप में से कभी कोई किसी का ये ख्याल था हमारे पास आने से पहले कि ये साढ़े बस का काम नहीं रहा? तो ये जो तरीकाकार है कि जिसमें आप आ कहते हैं कि मुसीबत में है, हमें नहीं पता क्या करें, जो आप बताएंगे वो हम करेंगे, लेकिन ज़्यादातर मैं अभी दो चार दिन पहले भी एक फैमिली से मिला तो मैंने उनको बोला कि मैंने कहा मुझे आपकी बातों से लगता है कि आप जो कुछ कर रहे थे गुज़श्ता कई सालों से आप उसे ठीक समझ रहे थे, पर आप थक गए हैं, तो आपने वक्ती तौर पर रिलीफ के लिए हमें बतौर मजदूर चुना है ताकि हम आपके साथ मिलकर जोर लगाएं। कहते हैं हाँ जी, उन्होंने बड़ी फ्रैंकली कहा हाँ जी। तो मैंने कहा फिर अभी आप चंद दिन और सोचें, अभी आप इलाज के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं है। तो फिर मैंने उनको चंद दिन सोचने के लिए कह के तो रवाना कर दिया। बहुत सारे लोगों को हम कम अज़ कम 5 दफ़ा सोचने के लिए कहते हैं कि आप अपने बच्चे को इलाज में लाने से पहले अच्छी तरह सोच लें कि आपकी पॉलिसीज गलत थी या आपकी ताकत ख़त्म हो गई। दोनों में से एक चीज़ का पता करना पड़ेगा कि पॉलिसीज गलत थी कि यह ताकत ख़त्म हो गई। और ज़्यादातर लोगों का ये ख्याल होता है कि पॉलिसीज उनकी बिल्कुल ठीक थी लेकिन उनकी ताकत ख़त्म हो गई थी। और जो खुद से भी पेशेंट आते हैं वो भी बार बार अपनी विल पावर का इजहार करते हैं कि मैंने बहुत दफ़ा नशा छोड़ के देखा है, मैं छोड़ लेता हूँ, जिसका मतलब है कि मैं फिर पकड़ लेता हूँ। फिर वो कहते हैं कि मैं रमज़ान में नशा बिल्कुल नहीं करता, तो जिसका मतलब है कि मैं छोड़ सकता हूँ। रमज़ान में नशा छोड़ना और सारी ज़िंदगी के लिए नशा छोड़ना ये एक बात नहीं है। रमज़ान में नशा छोड़ना होता है कि चांद रात को फिर करेंगे, और ज़िंदगी भर नशा छोड़ने का मतलब होता है कि बस छोड़ दूंगा हमेशा के लिए, और इसके लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि आप वन डे एट ए टाइम कहते हैं कि आज के दिन पे आप फोकस करते हैं नशा छोड़ने के हवाले से।